वेलकम टू ADF स्टूडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर प्रीफैब हाउस डिज़ाइन के बारे में, जो कि 35x50 फीट के एरिया में डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि आप इसका प्लान देख सकते हैं, इसमें हमें 4 बेडरूम मिल जाते हैं। सभी बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट मिल जाते हैं एंड 1 कॉमन टॉयलेट मिल जाती है। 2 स्टोर रूम मिल जाते हैं एंड फ्रंट में इसमें हमें ओपन किचन, डाइनिंग एंड लिविंग एरिया मिल जाता है। वहीं पर से हमें ऊपर के लेग स्टेयर्स मिल जाती हैं। फ्रंट में एक लार्ज प्लेटफॉर्म मिल जाता है और दूसरी साइड में स्मॉल प्लेटफॉर्म मिल जाता है। चलिए इसका वॉक थ्रू देख लेते हैं। इसके फसाद पर कंप्लीट ग्लास का यूज़ किया गया है और फ्रंट पर एक लार्ज प्लेटफॉर्म मिल जाता है। वॉल पर इसमें शिंगल्स पैनलिंग यूज़ की गई है और एक स्मॉल पोर्च मिल जाता है। पोर्च पर से ही हमें एक ग्लास एंट्री मिल जाती है। एंट्री करते ही हमें सिटिंग एरिया मिल जाता है, उसी के सामने हमें LCD पैनल मिल जाता है। के दूसरी तरफ हमें डाइनिंग एरिया मिल जाता है। डाइनिंग एरिया की बैक साइड में हमें ओपन किचन एरिया मिल जाता है, जहां पर एक लॉन्ग विंडो का यूज़ किया गया है। दूसरी तरफ हमें यहां पर ऊपर के लिए स्टेयर्स मिल जाती हैं। दूसरी तरफ हमें यहां पर एक और एंट्री मिल जाती है। एंट्री करने पर यहाँ पर हमें राइट साइड पर एक स्टोर रूम मिल जाता है। स्टोर रूम के बराबर से ही स्टेयर्स मिल जाती हैं। यहाँ पर ओपन वुडन स्टेयर का यूज़ किया गया है और रेलिंग में इसमें स्टील का यूज़ किया गया है। ऊपर की तरफ हमें काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाता है, जिसको हम प्ले एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ से हमें लिविंग एरिया का कंप्लीट व्यू दिख जाता है। यह हमारा पैसेज एरिया है। राइट साइड में हमें कॉमन टॉयलेट मिल जाती है एंड कॉमन टॉयलेट के बराबर में ही हमें एक वार्डरोब एरिया मिल जाता है। जबकि इसकी दूसरी तरफ हमें एक बेडरूम मिल जाता है। यह हमारा बेडरूम 1 है। यह हमारा किड्स रूम है। साथ में इसमें एक वार्डरोब मिल जाती है। और यहाँ पर हमें इसका टॉयलेट मिल जाता है। इसमें एक तरफ शावर एरिया मिल जाता है और दूसरी तरफ WC एरिया मिल जाता है। यह कॉमन टॉयलेट है। इसकी दूसरी एंट्री हमारे बेडरूम 2 के लिए जाती है। यहाँ पर आप बेडरूम 2 देख सकते हैं। बेडरूम 2 की वॉल पर पैनलिंग का डिज़ाइन किया गया है और इसी में हमें एक अटैच वार्डरोब एरिया मिल जाता है। इसी के साथ हमें ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है।
चलिए इसका थर्ड रूम देख लेते हैं। यह मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के वॉल पर कंप्लीट बैक पैनलिंग की गई है। इसके साइड में हमें एक लॉन्ग विंडो मिल जाती है। और यहाँ पर हमें एक स्टोर रूम और एक ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है। एंड इसी के साथ में एक लार्ज टॉयलेट एरिया मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्नीचर का अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है। फॉल सीलिंग को इसमें मैक्सिमम प्लेन रखा गया है। एंड फ्लोरिंग में इसमें वुडन फ्लोरिंग का यूज किया गया है। यह एक प्री फैब्रिकेटेड हाउस है जो कि 3 मंथ के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अगर आप भी अपने स्पेस के अकॉर्डिंग प्री फैब्रिकेटेड हाउस डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग में इसमें आपको कंप्लीट 3D वीडियो के साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल डिटेल मिल जाती हैं। चलिए इसके डिफरेंट व्यूज देख लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।